हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेज मलबार करी। इसे जनरली फिश या चिकन के साथ बनाया जाता है, पर आज हम इसे मिलीजुली सब्जियां डालकर बनाएंगे। इसे आप रोटी, चावल, घावन, डोसा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी होती है। तो इसके लिए 15 मिनट पहले मैंने क्या किया है, मैंने 5 लाल मिर्च ली है, इसे मैंने थोड़ा गुनगुने पानी में भिगो लिया है। ये मैंने ली है खसखस, इसे भी मैंने गुनगुने पानी में भिगो लिया है। ये मैंने ली है 1 बड़ा चम्मच। फिर मैंने लिए है कुछ काजू, तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काजू लिए है जिन्हें मैंने पानी में भिगो कर रखा है। फिर हमने लिए है 1 बड़ा टमाटर मोटा मोटा कटा हुआ, 1 बड़ा प्याज मोटा टुकड़े में कटा हुआ। फिर मैंने लिया है 5-6 कलियां लहसुन की, 1 बड़ा चम्मच अदरक, मैंने लिए है 1 डंडी कड़ी पत्ते की, और ये मैंने लिए है कुछ खड़े मसाले। इसको मैं सबसे पहले सूखा ही भून लूंगी और इसका पाउडर बना लूंगी। आप इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवी में जब वो बीच बीच में आता है तो मुझे पसंद नहीं आता है। इसके लिए मैं पहले इसे भून कर इसका पाउडर बना लूंगी। तो इसमें मैंने ली है ये चक्री फूल, ये मैंने ली है सफेद मिर्च, दालचीनी, कुछ लौंग और इलायची। तो अब मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी मेरे खड़े मसाले। इस रेसिपी में हम जीरा या धनिया बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमारे करी को सारा टेस्ट ये सूखा मसाला ही देगा। इसे मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनना है। जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये मसाले अपना खुद का ही तेल छोड़ने लग जाते हैं, और जैसे कि लौंग है जो थोड़ी फूल जाती है, और बाकी के मसाले भी तेल छोड़ने लग जाते हैं या उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब मसाले भून चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मेरे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इन्हें मिक्सी में चला लूंगी। तो अब मेरे मसालों का पाउडर बिल्कुल तैयार है, इसे मैं एक बार जो निकाल लूंगी। अब इसी मिक्सी के जार में मैं सबसे पहले डालूंगी खसखस। पहले हमें पानी कम से कम डालना है। अब इसमें मैं डालूंगी काजू, इसे सबसे पहले अच्छे से प्यूरी बना लेना है। तो ये काजू और खसखस को मैंने मिक्सी में चला लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डालना है, और इसकी भी हम अच्छे से महीन पेस्ट बना लेंगे। तो अब हमारी खसखस, काजू और मिर्ची की पेस्ट तैयार हो चुकी है, इसे मैं एक बार जो निकाल लूंगी। अब इसी जार में मैं लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, प्याज और टमाटर सारी चीजें साथ में डालकर उसकी भी एक प्यूरी बना लूंगी। तो अब मेरी लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर की ग्रेवी भी रेडी है। तो अगर आप यही ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपका एक ही मिक्सी जार में तीनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले हमने ड्राई पाउडर बनाई, फिर हमने काजू, खसखस और मिर्ची का पेस्ट बनाया, और फिर हमने बनाया लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर का पेस्ट। तो करी बनाने के लिए हमें चाहिए ये 3 पेस्ट जो अभी हमने बनाई थी, ड्राई पाउडर, प्याज और टमाटर का पेस्ट और ये काजू का पेस्ट। साथ ही में हमें चाहिए कुछ मिक्स वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे आलू, गोभी, गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च और कुछ मटर लिए हैं। फिर साथ ही में मैंने लिया है 1/2 कटोरी तेल। फिर हमें चाहिए होगा ताज़ा घिसा हुआ नारियल 1/2 कटोरी, नमक 1 चम्मच, इसको हम कम ज़्यादा करेंगे बाद में टेस्ट के हिसाब से। साथ ही में मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, और ये मैंने लिया है 1 कोकोनट मिल्क का डब्बा। आप इसे घर पर भी निकाल सकते हैं। कोकोनट मिल्क निकालने की रेसिपी मैंने बर्मीज कॉजवे के टाइम पर शेयर की थी, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी तेल। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक की प्यूरी।
अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हमें तेज आंच पर 5 मिनट तक पका लेना है। और जब आपको ऐसे क्रैक्स दिखाई देने लग जाए, इसका मतलब हमारा मसाला काफी हद तक पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ताजा घिसा हुआ नारियल, इसको भी अच्छे से मिला देना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा नमक और हल्दी, इसे अच्छे से मिला देना है। अब आंच को हम मध्यम कर लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे एक एक करके हमारी सब्जियां। सबसे पहले मैं डालूंगी आलू, फिर मैं डालूंगी गोभी, फिर मैं डालूंगी गाजर। इसे अच्छे से मिला देना है। ये सब्जियां थोड़ी सख्त होती है, इसलिए हम पहले इन्हें 1-2 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद में हम बाकी की सब्जियां डालेंगे। ये गोभी काफी सख्त है तो मैंने इसे टोटल 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। 1-2 मिनट में ये बिल्कुल पकी नहीं थी, कभी कभी गोभी पक जाती है, कभी कभी नहीं पकती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्न और शिमला मिर्च, इसे भी अच्छे से मिला देना है। अब मैं आंच को धीमा कर दूंगी, इसमें 1 बड़ा कटोरी पानी डालूंगी और अब इसे मैं ढककर 5 मिनट तक बहुत धीमी आंच पर पका लूंगी। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं हमारी सब्जियां पक्की है या नहीं। इसमें से कोई भी आलू का पीस आप ऐसे काट कर देख सकते हैं, अब ये कट रहा है बट फिर भी थोड़ा सा सख्त है, तो मैं इसे तेज आंच पर और 2 मिनट पका लूंगी। आप चाहे तो पकते समय इसमें और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप तेल की मात्रा कम डालेंगे तो फिर सब्जियां पकाते टाइम आपको पानी ज्यादा ही डालना पड़ेगा। साथ ही मैं अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर और डालना है हमारा काजू और मिर्च का पेस्ट। आप देख सकते हैं कि करी का कलर नेचुरली एक बहुत प्यारा ऑरेंज कलर आता है। अब इसमें मैं डालूंगी हमारा सूखा भुना हुआ मसाला, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और साथ ही में बहुत अच्छा सुगंध भी आता है करी में। इन मसालों की वजह से और लाल मिर्च डालने की वजह से करी में तीखापन अपने आप आ जाता है, इसलिए हमने इसमें कोई भी लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली है। अगर आप चाहे तो आप डाल सकते हैं बट इसका तीखापन काफी हो जाता है। इसे बस 5 मिनट तक और पकाना है ताकि मटर भी अच्छे से पक जाए। अगर आपको कढ़ी बहुत गाढ़ी लग रही है तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें करीब 1 कटोरी पानी और डाल दूंगी। अब आंच को एकदम धीमा कर देना है और इसमें डालना है कोकोनट मिल्क। अगर आप घर पर कोकोनट मिल्क निकालेंगे तो 1 नारियल का कोकोनट मिल्क इस करी के लिए काफी होगा। नारियल का दूध डालने से इसमें एक हल्की सी मिठास आती है जो बहुत अच्छी लगती है। इसे अच्छे से मिला देना है और फिर गैस को बंद करना है और इसे तुरंत गर्मा गर्म सर्व करना है। तो लीजिए, अब हमारी मलबार करी बिल्कुल तैयार है। मैं इसे आज घावन के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप भी इसे बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही किसी कलरफुल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।